संदीप वांगारेड्डी वर्सेस फिल्म क्रिटिक्स, ये वो वीडियो होने वाला है जो कोई नहीं बनाने वाला है। और ये वीडियो स्पेशल क्यों है वो आप लास्ट तक समझ जाओगे। मैं ज्यादा गूगल नहीं करने वाला हूं, लेकिन आप लोग को जरूर कहूंगा गूगल करने को। सिर्फ आप ये टाइप करिए, एनिमल मूवी रिव्यू, 99.99% क्रिटिक्स ने, ये जो वेबसाइट्स पे लिखते हैं वो लोगों ने इस फिल्म को 1 star, 1.5 star, 2 star, 2.5 star, यहां तक कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिया है। बहुत ट्रोल किया इस फिल्म को, कहा कहीं से भी सही नहीं है। जो फिल्म कहीं से भी सही नहीं है तो ऑडियंस क्यों इतनी दीवानी हुई है? फिल्म कहीं से सही नहीं है तो पहले 7 दिनों में ये फिल्म हिंदी में 300 करोड़ की कमाते हुए नजर आ रही है। फिल्म कहीं से सही नहीं है तो लोग तारीफें क्यों कर रहे हैं रणबीर कपूर की? फिल्म अगर कहीं से सही नहीं है, लोग इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते बनाते क्यों थक नहीं रहे? फिल्म अगर कहीं से सही है तो लोग पागल क्यों हो रहे इस फिल्म के लिए? फिल्म अगर कहीं से सही नहीं है कि हर दूसरा इंसान क्यों चर्चा कर रहा है एनिमल फिल्म के बारे में? यानी कि फिल्म वाकई में सही है। जब फिल्म सही है तो क्रिटिक्स को क्यों मिर्ची लग रही है? तो कुछ साल पहले जब कबीर सिंह आई थी, हीरो हीरोइन को झापड़ मारता है फिल्म में और रिव्यूज बहुत नेगेटिव आए थे, बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हुई थी कि यार महिलाओं के खिलाफ ये वायलेंस हो रहा है, ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये गलत है, कैसे ट्रीट कर सकता है कबीर सिंह अपनी गर्लफ्रेंड को इस तरह से, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो उस दौरान डायरेक्टर ने कहा ये अगर तुमको वायलेंस लगता है तो मैं आपको दिखाऊंगा मेरी आने वाली फिल्म में कि वायलेंस होता क्या है एनिमल में। और एनिमल में जहाँ पे वहाँ गर्लफ्रेंड को पीटते दिखाई दिए हल्का फुल्का मारते हुए, तो वहीं यहाँ पर एनिमल फिल्म में रणबीर कपूर अपनी वाइफ को मारते हुए नजर आए हैं, गला ऐसा पकड़े हुए नजर आए। एक सीन है जहाँ पे उनकी वाइफ रश्मिका मंदाना भी, आई थिंक पहले जो झापड़ मारती है वो रश्मिका ही मारती है रणबीर कपूर पे। तो डोमेस्टिक वायलेंस अगर आप इसको कह रहे हैं तो डोमेस्टिक वायलेंस उसको भी कह सकते हैं। अगर रणबीर ऐसा गला पकड़ा है वो डोमेस्टिक वायलेंस है, तो रश्मिका मंदाना भी उसको चपाट बजा रही है तो वो भी तो वायलेंस है। सो एक तरफा जो सोच है लोगों की वो बदलनी जरूरी है। डोमेस्टिक वायलेंस में जरूरी नहीं है कि हमेशा एक लड़की ही मार खाए, डोमेस्टिक वायलेंस में कई बार लड़के भी मार खाते हैं। उनके बारे में कोई इसलिए नहीं बताते क्योंकि वो अरे लड़का थोड़ी मार खा सकता है, अरे लड़का थोड़ी रो सकता है, ऐसा नहीं है ना। तो रणबीर कपूर की फिल्म में वही चीज़ दिखाया गया है, एक बाप के लिए वो क्या कुछ कर गुजरने को चाहता है, उसके बाप की प्यार पाने के लिए क्या कुछ करना चाहता है, सब कुछ कर देता है, लेकिन आखिर में रोता है अपने चाचा शक्ति कपूर के कंधे पर, बाप को गले भी नहीं मिल पाता है, प्यार है लेकिन नहीं मिल पाता है। और इस तरह का इमोशंस, रॉ इमोशंस दिखाया गया है फिल्म में, तो क्या गलत किया है संदीप वांगारेड्डी ने? मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं इतने सालों से फिल्में देख रहा हूँ, हिंदी, तमिल, तेलुगु, इंग्लिश, ईरानियन, चाइनीज, स्पेनिश, जो फिल्में, जो लैंग्वेज आप बोल लो वो सब फिल्में मैंने देखी है, उस लैंग्वेज में कोई कोई फिल्में देखी है मैंने, साउथ कोरियन वगैरह सब, मैक्सिकन वगैरह। यहाँ पर अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो रणबीर कपूर का जो करेक्टर है बहुत रिलेटेबल है। सिर्फ करेक्टर की बात करें तो इंसान के अंदर का जो जानवर है जो इंसान कहीं बाहर नहीं लाता है, इंसान के दो चेहरे, एक तो जो दुनिया को दिखाता है, एक जो वो खुद है, जो वो खुद है वो चेहरा कौन जानता है? उसके माँ बाप भी नहीं जानते, वो जानती है उसकी वाइफ, उसके शायद बच्चे थोड़े बहुत, उसकी वाइफ जानती है क्योंकि वो उसको सबसे ज़्यादा करीब उसके रहती है। तो कुल मिलाकर वो जो एनिमल वाला चेहरा है वो लोग कई सारे हैं लेकिन वो बताते नहीं हैं। कई सारी महिलाओं को ये फिल्म बुरी लग रही है, गड़बड़ लग रही है, ये उनका व्यू पॉइंट है। लेकिन मैं यही सवाल पूछना चाहूँगा कि रणबीर कपूर को जब जोर से झापड़ पड़ता है
तो क्या वो भी गलत है कि नहीं? गलत तो बहुत सारी चीजें ना, तो उंगली उठाने जाएंगे तो 10 उंगली उठेगी 10 चीजों पे। लेकिन मैं आपको वापस कहना चाहता हूँ कि इस फिल्म को सिर्फ फिल्म के नज़रिए से आप देखें, इससे ज़्यादा फिल्म से कुछ सबक ना लें। और किसी एक कॉमेडी रिव्यू कोई लेडी लेडी ने किया था कि ये फिल्म हमारे बच्चों को बिगाड़ देगी। पहली बात तो ये बच्चों के लिए फिल्म नहीं है, दूसरी बात 18+ वाली फिल्म है, और 18+ तक या 20, 21, 22 साल तक जिसको बिगड़ना हो बिगड़े जाता है। कोई फिल्म किसी को नहीं बिगाड़ती है, आपको बता दूं मैं। अगर बिगाड़ती भी होगी 0.001% जो सोसाइटी इसमें वो रहता है वो ज़रूर इन्फ्लुएंस करती है उसे, माँ बाप के परिवार में किस तरह से उसे पाला पोसा जाता है वो ज़रूर इन्फ्लुएंस करता है। क्योंकि एक बच्ची वो अपने बाप, अपने माँ, अपने एरिया में लोगों को देख के, अपने दोस्तों, यादों से, टीचर से ही इन्फ्लुएंस होते सबसे पहले। अगर ये सब सही है तो बच्चा कभी बिगड़ेगा नहीं। देखो मैं आपको इस फिल्म के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, क्यों मुझे लगता है कि क्रिटिक्स की जो रेटिंग है वो बिल्कुल गलत है। सबसे पहले कि 3 घंटा 21 मिनट की ये फिल्म बोर नहीं होती है। फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट हाफ फिल्म का एक अलग, आप उसको पार्ट 1 पकड़ लीजिए, पार्ट 2 पकड़ लीजिए। फर्स्ट हाफ आपको एक्शंस भरा है पूरा, सेकेंड पार्ट फैमिली इमोशंस रॉ भरा है, और लास्ट का 15 मिनट जो एक्शन सिक्वेंसेस है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पर डायरेक्टर ने वो कर दिखाया जो बहुत सारे फिल्म मेकर्स नहीं कर पाए। पंजाब की ऑडियंस को लेकर आ गए, साउथ की ऑडियंस को लेकर आ गए वांगा रेड्डी, और मराठी ऑडियंस को लेकर आ गए, मराठी एक्टर जिस फिल्म में है, और एक अक्रॉस इंडिया रणबीर कपूर बाकी जगह तो है ही है परफॉर्मेंस करें, तो पूरा इंडिया, पूरा पैन इंडिया फिल्म सक्सेस कर रही है। दोस्तों नॉर्मली क्या होता था ना, हिंदी फिल्मों को साउथ में बिल्कुल भी प्यार नहीं मिलता था, ना ही लोग उसे देखने जाता, घंटा में देखने वाला नहीं, भाड़ में जाए, ऑनलाइन देख लूंगा बाद में, ऐसा रिव्यू कर दूंगा अभी क्या, अभी देखूंगा नहीं। तो ये जो ऑनलाइन देखते साउथ वाले लोग हिंदी फिल्म में, ये थिएटर में जाके जल्दी देखते नहीं है, उन लोगों ने भी इस फिल्म को प्यार दिया है। इस फिल्म का 5 से 6 दिन का कलेक्शन जो 30-35 करोड़ का आया साउथ से, ये हलवा नहीं है, किसी ने अभी तक किया नहीं है। रणबीर कपूर की ये फिल्म बड़ी रॉ है, बड़ी अलग है, बड़ा डिफरेंट है, क्योंकि एक सीन में देखोगे रणबीर कपूर होता है, दूसरे सीन में रणबीर कपूर लोगों को मारता है। बचपन से जो उसे चाहिए था, जवानी तक, उसे 40-45 साल तक की जो भी उम्र दिखाई फिल्म में, उस उम्र तक उसको वो नहीं मिला है, बाप का प्यार। सोचिए कितना अंदर इंसान टूट गया होगा। ये चीज वो समझ सकता है कि एक शादीशुदा जीवन में एक लेडी रह रही है और उसे पति का प्यार ना मिला उस सालों साल, ये उस तरह का तकलीफों से भी बेकार है। तो ऐसे में कोई भी इंसान एनिमल तो बन जाएगा। तो ये इस फिल्म की जो चीज़ें हैं वो दिखाई गई है। फिल्म में इमोशंस बहुत रॉ है, जिसको समझना वो समझ जाएगा, जिसको नहीं समझना वो समझेगा। रणबीर कपूर गलत तो करता है, रश्मिका को छोड़ के दूसरी लड़की के पीछे जो जाता है वो बहुत गलत करता है, मुझे लगता है। एक सीन है जहाँ पे रश्मिका नहीं, दूसरी तृप्ति दिमली को बोलता है मेरे पैर चाटो, है ना, मेरे शूज़। सो वो भी सीन बड़ा ही ऑकवर्ड है। ऐसे आप लोग को लगेगा कि एक फीमेल जो है महिलाओं को नीचे गिराने की कोशिश की जा रही है इस फिल्म में, फीमेल कैरेक्टर्स को सबसे नीचे करने की कोशिश की जा रही है। बट मेरा ऐसा मानना है कि फिल्म जो है उसे फिल्म की तरह से देखिए, और जहाँ तक फीमेल कैरेक्टर्स की बात है तो कुछ सीन्स में अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे एनिमल में, जब बहुत नाराज हो जाती है रश्मिका तो उसके पैरों पैर के इधर बैठा रहता है रणबीर, पैर के इधर बैठा रहता है, तो वो भी सीन्स अगर आप देखो तो इज्जत भी दी गई है फिल्म में महिलाओं को। ऐसे नहीं कि सिर्फ महिलाओं को पूरी तरह से पीटा गया है। और वो उस करेक्टर की बात कर रहा है जो करेक्टर बड़ा ही पागल है, जुनूनी है, अपने पिताजी के लिए वो पागल है। तभी तो रश्मिका कहती है कि ये तुम्हारे पिताजी के लिए जो प्यार है ये जोग नहीं, ये एक रोग बन चुका है। तो मैं एक चीज़ बताऊँ ना, जो परवरिश सही नहीं देती ना बच्चों की, सही तरह से माँ बाप उन्हें वक्त नहीं देते, प्यार नहीं देते, तो बच्चे वाइल्ड होते, पागल होते हैं। और शायद ये बहुत बड़ी चीज़ डायरेक्टर ने पेश की है दिखाने की, कि बच्चों को बचपन से ही आप ध्यान दो, माँ बाप का प्यार मिलना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक वो इस फिल्म के जरिए दिखाए कि बच्चे क्या कुछ कर सकते हैं, बाद में कितना कुछ बिगाड़ सकते हैं। तो वो भी एक चीज़ है जो आपको इस फिल्म से सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए।
और जहाँ तक मैंने रिव्यूज़ देखे बहुत नेगेटिव लोगों ने बोला है, बहुत नेगेटिव लोगों ने बोला है। लेकिन मैं आपको सच बताऊँ ना, मुझे रणबीर कपूर का ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस लगा है टिल डेट। इतने करेक्टर शेड्स, इतने अलग अलग लुक, इतना कुछ हर चीज़। मैं ही सोच चुका हूँ, मैं खुद पागल हो चुका हूँ इस फिल्म को देख कर। फिल्म का BGM इस फिल्म की बहुत बड़ी जान है। दूसरा रणबीर कपूर का परफॉर्मेंस, तीसरा संदीप रेड्डी वांगा का विजन, बहुत अच्छा विजन है। ये क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ, स्टीरियोटाइप जो थिंकिंग है ना लोगों की, क्रिटिक्स की, ये फिल्म उसको ब्रेक करती है, उनकी सोच को ब्रेक करती है। फिल्म मेकिंग के जो रूल सेट है, पैटर्न सेट है, उस हर एक पैटर्न को ना केवल पकड़ती बल्कि तोड़ देती है, मरोड़ देती है। नॉर्मली आप देखते होंगे कि अगर एक किसी का भाई उसकी बहन के पति को मारता है तो कोई दूसरा तीसरा बताता है, यहाँ पे हीरो खुद बता रहा है। तो वो सब सीन्स को एग्जीक्यूट करना, विलन्स को किस तरह से दिखाना चाहिए, हीरो को किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। ये आपको एक बार में समझेगी नहीं फिल्म। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे प्रोड्यूसर भूषण कुमार का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि फिल्म का जैसा विजन था संदीप रेड्डी वांगा का, वैसे ही इस फिल्म को प्रेजेंट किया गया। कोई काट छाट नहीं की गई, तभी ये फिल्म लोगों को कनेक्ट हुई है। ये अभी समझ में नहीं आएगी, ये आने वाले 10 सालों में ना, यही जो क्रिटिक्स हैं जिसने एक एक स्टार दिया ना, यही क्रिटिक्स इसको कल्ट फिल्म बोलेंगे, यही क्रिटिक्स को मास्टरपीस फिल्म बोलेंगे। मैं आपको सच बताता हूँ, क्योंकि फिल्म एक स्टार दो स्टार से नहीं चलती है। फिल्म पब्लिक को कनेक्ट होना मांगता है, पब्लिक एंटरटेन होना मांगता है, और पब्लिक क्या बोलते हैं, कनेक्ट हुई, पब्लिक एंटरटेन हुई, और पब्लिक रिपीट वैल्यू पर इस फिल्म को देख रही है। तो ये इस फिल्म की सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम हॉलीवुड की ऐसी एक्शन फिल्में हॉलीवुड में रहती है ना, तो हम तारीफों के फुल बांध देते हैं। अरे क्या फिल्म बनाई मार्टिन स्कॉर्सेसे ने, अरे क्या फिल्म बनाई क्रिस्टोफर नोलान ने, ये सेम बनाता तो हम ये तारीफ करते। लेकिन यही एक इंडियन डायरेक्टर इतना वाइल्ड, इतना बोल्ड स्टेप अगर करके इस फिल्म को बनाया है, तो लोग उसकी बुराई कर रहे हैं। यार ये गलत है ना यार, ये आपकी थिंकिंग गलत है दोस्त मेरे। अगर आप क्रिटिक हो ना, तो आप सिनेमेटिक वेसिस फिल्म को देखो। जितने भी एक्शन ब्लॉक्स है फर्स्ट हाफ में, ऐसा एक्शन ब्लॉक जिंदगी में देखा नहीं है मैंने। ऐसे एक्शन सीन्स, ऐसी जुनूनियत मैंने देखा नहीं किसी इंडियन फिल्म डायरेक्टर में। सालों साल बीत गए यार, ऐसा सिनेमा देखा नहीं है। 3.5 घंटे का पिक्चर बना के पागल कर दिया यार लोगों को। यार शर्म करो, रेटिंग देने के लिए सोचो ना यार। 1.5 से 2 घंटे की फिल्म हम बैठते देखने, तो हमको बोर होने लगता है, हम निकल के भाग जाते हैं। लोग 3 घंटा 21 मिनट, उसके बाद एंड क्रेडिट तक भी बैठा है बंदे ने, 3.5 घंटा पब्लिक को बैठा के रखा है थिएटर में। आसान बात नहीं दोस्त मेरे, तो ये सब चीज़ें भी बोलो आप। फर्स्ट हाफ बिल्कुल बोल नहीं होता, सेकेंड हाफ का जो फील है ना, वो आपको, मेरे को स्लो लगा, मैं मानता हूँ सेकेंड हाफ स्लो लगा, लेकिन वो भी फिल्म को एक पार्ट में लेके जा रहा है, एक मोमेंट क्रिएट कर रहा है वो भी। ऐसे नहीं कि एकदम ही बोर लगा, था कुछ ना कुछ। और एक बड़ी बात मैं बोलता हूँ इस फिल्म के लिए, मैं नॉर्मली फिल्म देखते वक्त मोबाइल यूज़ करता हूँ, कई बार कुछ लिखता रहता हूँ उस टाइप करता, लेकिन इस फिल्म को देखते वक्त मैंने मोबाइल कतई यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मेरा डायरेक्टर ने मजबूर करके रखा है। एक्चुअली मुझे डायरेक्टर ने मजबूर कर दिया कि मैं उसका हर एक सीन देखूं, मैं उसका हर एक फ्रेम देखूं, क्योंकि डायरेक्टर चाहता ही यही था कि जो दर्शक है वो नॉर्मली क्या करते हैं, दर्शक ना पिक्चर देखते थे, बाद में मोबाइल पे कुछ ना कुछ करते। मैं भी यही करता हूँ, मैं बाकी मेरी भी बात करता हूँ। डायरेक्टर ने बोला इन सबकी बजानी है मुझे, डायरेक्टर ने क्या बोला, मेरे हर एक सीन पर तुमको फोकस करना पड़ेगा। इसीलिए जब आप फिल्म को देखोगे ना, तो आपको मजबूरन आपको फोन जेब में रखना पड़ेगा, साइड में रखना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टर हर एक सीन, हर एक शॉट अलग अलग सब है। ये सीन में क्या होगा नहीं पता, इसके अगले सीन में क्या होगा नहीं पता, ये क्या होगा नहीं पता, वो क्या होगा, क्योंकि रोल्स रॉयस का एक सीन है, रोल्स रॉयस गिफ्ट करता है तृप्ति दिमरी को, मतलब मैं तुमसे शादी करना, उसके बाद दूसरे सेकंड में उसको उड़ा देता है रोल्स रॉयस को। तो चेंज ऑफ इमोशंस, मतलब डायरेक्टर बेसब्र कर दिया पब्लिक को। तो ये वो उस तरह की फिल्म है, और क्रिटिक्स इतने बेसब्र हो गए क्योंकि उनके समझ में नहीं आ रहा है कि मैं फिल्म को क्या रेटिंग दूँ, कैसे रेटिंग दूँ। मैंने लेकिन जब फिल्म देखी थी, मैंने इसे 4 स्टार दिए थे, मुझे लगता है कि मैंने ये कम दिए थे, मुझे लगता है इसे और देना चाहिए, क्योंकि वो पागलपन वाली फिल्म है दोस्त मेरे। हालांकि मेरी अपनी राय थी, सेकेंड हाफ काफ़ी स्लो लगा, जहाँ पे मैं थोड़ा बोर हुआ, क्योंकि मैं सिनेमा इतना देखता हूँ कि मुझे बोर होने लगता है कई बार। लेकिन हाँ, सिनेमेटिक प्रेजेंटेशन, जिस तरह से फिल्में शॉट की जाती है, जिस तरह से फिल्म बनाई जाती है, ओवरऑल जो एक फील आता है ना, वो फील बहुत अच्छा है इस फिल्म का, और ये 4 स्टार कम से कम डिजर्व करती है। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये कहूँगा कि क्रिटिक्स की हार हुई है, जो 1-1 स्टार दिए है, 1.5-1.5-2-2 स्टार दिए है। फिल्म मेकर की जीत हुई है, एक सिनेमा जीता है,
ऑडियंस जीती है और क्रिटिक्स हारे हैं, ये अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है, पूरा पूरा बॉलीवुड माफिया, फिल्म क्रिटिक्स सब, यूट्यूबर सब पीछे पड़ गए इस फिल्म की बजा डालो? लेकिन संदीप वंगा रेड्डी ने इस फिल्म की बजा डाली और रणबीर कपूर का जो आखिरी शॉट है बुढ़ो वाला, ऐसा करता है उसने सब आंसर दे दिया इन क्रिटिक्स को। तो कुल मिला के पंगा नहीं लेना संदीप रेड्डी वंगा से, वरना वो नंगा कर देगा। चलिए भाग इतना ही, जैसे रणबीर कपूर हुए थे फिल्म में, हालांकि वो ठीक हुए थे उस हिसाब से वो सीन है, तो उसको गलत मत समझना, अलग है, वाइल्ड है, पागल तरह का फिल्म मेकर है और पागल फिल्म बनाई है, तो आपको पसंद आएगी दोस्तों। और कुल मिला के वीडियो मेरा आई होप आपको पसंद आया, थोड़ा लंबा था माफ करना, लेकिन जब जो चीज़ें मैं भी देखो, मैं भी स्क्रिप्टेड नहीं है, 15 मिनट लगातार बोल रहा हूँ भाई, 3 घंटे 21 मिनट की फिल्म के बारे में बात कर रहा हूँ तो 15 मिनट तो चलता है ना दोस्त मेरे। चलिए फिलहाल के नहीं, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर। इसलिए फिल्म के क्रिटिक्स के रिव्यूज पर मत जाओ, पब्लिक के व्यूज पर जाओ, फिल्म को देखो, आपको पसंद आएगी।